क्या संसद में हुई विपक्षी सांसदों की पिटाई? पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। क्या राज्यसभा में जमकर हुई गुंडागर्दी? बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। संसद में मोदी शाह का गुंडा राज। ये तस्वीरें उसी सदन की है जिसे पीएम मोदी लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। ये तस्वीरें उसी संसद की हैं जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की धुरी है। और ये तस्वीरें उसी संसद की है जहां विपक्षी सांसदों को पिटवाया जाता है। सांसदों की पिटाई का दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि खुद विपक्षी सांसद कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने उन्हें सदन में भाड़े के गुंडे बुलाकर पिटवाया। विपक्ष ने मोदी सरकार पर संसद की गरिमा को तार तार कर देने का आरोप लगाया है। इस बीच राज्यसभा के अंदर हुए हंगामे का ये वीडियो भी सामने आ गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे विपक्षी सांसद वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में मार्शल विपक्षी सांसदों को खदेड़ते नजर आते हैं। यहाँ तक कि महिला सांसदों के साथ भी बदसलूकी का आरोप है। विपक्ष धक्का मुक्की कर सदन से बाहर फेंक देने जैसे गंभीर आरोप लगा रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में आज कई विपक्षी नेताओं ने जंतर मंतर तक मार्च निकाला। वो यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, बंद करो भाई, बंद करो, मार्च कर रहा है, बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये प्रजातंत्र का राज्य नहीं, बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये प्रजातंत्र बंद करो। राहुल गांधी ने तो ये भी कह दिया कि मोदी सरकार ने सदन में सांसदों को पिटवाया है। सांसदों की पिटाई की गई है, बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका क्या जवाब है? मैं आपको बताता हूँ, ठहर जाइए, ठहर जाइए, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको और हिंदुस्तान को बताता हूँ, यहाँ हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दो तीन उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। धन्यवाद। वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी सभापति वेंकैया नायडू से मुलाकात कर शिकायत की है। उन्होंने लिखा कि आज तक सदन में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सदन में हुए हंगामे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने भी लिखा कि उन्होंने सदन में इस तरह का टकराव कभी नहीं देखा। दरअसल बुधवार को सदन में इंश्योरेंस बिल पास कराए जा रहे थे। सरकार कृषि कानूनों की तरह उन्हें पास कराने पर अड़ी थी और विपक्ष विरोध कर रहा था। आरोप है कि इसी दौरान बाहर से मार्शल बुलाए गए और विपक्षी सांसदों के साथ बदसलूकी और मारपीट की गई।
वहीं सरकार कह रही है कि विपक्ष ने हंगामा किया और सदन की मर्यादा भंग करने के कारण विपक्षी सांसदों पर एक्शन लिया जाए। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आपके जन प्रतिनिधियों के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पीक।